वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी प्रिंस पाइप से रिलेटेड, तो जिसने भी नहीं देखी वो देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे में वीडियोस तो लोग देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो उनको नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिवीज लेबोरेटरी का रिजल्ट कवर करते हैं, तो फाइनली उस पर चलते हैं। फ्रेंड, मैं डिवीज लेबोरेटरी का चैट बटन ओपन किया गूगल पे, आप देख सकते हैं कि 5 डेज में नॉर्मल है, 1 मंथ में 8% की रिटर्न है, 6 मंथ्स में बहुत 30%, 1 साल में 27%, जनवरी से अभी तक 1 साल में आप देख सकते हैं 76%, और 5 ईयर में 312%, और मैक्सिमम भी देख सकते हैं 54,000%। मतलब बहुत ही शानदार कंपनी का रिटर्न दिए हैं अभी तक। अब ये देख सकते हैं 54,000% के रिटर्न दिए हैं। 54,000% आपको चाहिए तो आप भी इसके साथ कंपनी के साथ बने रहिए कम से कम 10 साल तक, तो आपको भी इतने अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। कंपनी लिस्टेड जब इसमें देख लेते हैं, 2003 से 2021 तक कंपनी ने 9 रुपये का शेयर था स्टार्टिंग में, जो बढ़ के अभी 5,000 का अप्रॉक्स हो गए हैं। बहुत ही शानदार है कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप लार्ज है, 1.31 का मार्केट कैपिटल है कंपनी का, और कंपनी का 52 वीक हाई भी बता दे तो 52 वीक हाई है 5045 और 52 वीक लो है 262। कंपनी एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, और कोविड के कारण तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आप कंपनी के साथ बने रह सकते हो। और कंपनी का आज ही रिज़ल्ट आया है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट लगा है मुझे तो कंपनी का सभी बेसिस में, तो अपन कंपनी का फाइनल रिज़ल्ट कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का अपन रिज़ल्ट पे आ गए हैं। कंपनी का रिज़ल्ट इन लैक्स में है, क्वांटिटी का ये इस टाइम का रिज़ल्ट है 636, मतलब कि ये इस टाइम का है, ये लास्ट क्वार्टर का है, लास्ट ईयर का है। तो अपन कंपनी के रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में चलते हैं। कंपनी का इस टाइम का रेवेन्यू है, होप आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको लिख के बता देता। कंपनी का रेवेन्यू है इस टाइम का 1,98,571, लास्ट टाइम का 1,74,124, और लास्ट ईयर का है 1,72,738। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ईयरली भी जंप आ रही कंपनी में और क्वार्टरली भी जंप आ रही कंपनी में। ये बहुत ही अच्छी मेन बिज़नेस कंपनी का कोर बिज़नेस है, उसमें कंपनी में जम दिखाई तो मतलब बहुत ही अच्छी बात होती। इसके बाद अपन को एक्सपेंस देखने जाते हैं कि कहीं एक्सपेंसेस एबनॉर्मल तो नहीं हो गए, कि कुछ ज़्यादा ही तो बढ़ा नहीं दिया एक्सपेंसेस को, तो वो भी चेक ले कर लेते हैं अपन। तो लास्ट टाइम का एक्सपेंसेस थे 1,11,11,7,194, और लास्ट टाइम का था 1,09,108,906, और लास्ट ईयर का था 1,06,713। मतलब कि कंपनी में जो एक्सपेंस किया इन लाइन ही है, जितना रेवेन्यू बढ़ा है उतना ही एक्सपेंस बढ़ा है, कंपनी का एबनॉर्मल एक्सपेंसेस बढ़े नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी का बिजनेस अभी बिफोर टैक्स कितना इनकम है, तो कंपनी का एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो फाइनल कर टैक्स के बाद पहले बच रहा है कंपनी का 1,83,77, लास्ट क्वार्टर का तो 6,52,18, और लास्ट ईयर का तो 6,607। मतलब कि दोनों बेसिस में कंपनी ने जम दिखाई, बहुत ही शानदार बात होती है ये कि कंपनी का मेन इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी कम होने का, रेवेन्यू बहुत ही शानदार बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लिया अपन ने, मैंने ऊपर ही दिखा दिया था, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशन आइटम सेम ही है, कोई एक्सपेक्टेशन आइटम लगाई नहीं कंपनी ने। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ये वाला 55,197, लास्ट टाइम का 48,793, और लास्ट टाइम का 49,225। मतलब कंपनी का अच्छा खासा 600 लैक्स की जंप दिखाई है कंपनी ने, ये देख सकते। तो कंपनी का इसी टाइप से अर्निंग पर शेयर भी देख सकते कि अर्निंग पर शेयर पे भी ग्रोथ आई होगी कंपनी की। यस, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी का 2,079 है, लास्ट टाइम का 18.38, और लास्ट ईयर का 18.754। मतलब कंपनी ने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिखाया है कंपनी अपने। फ्रेंड, अपन कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर पे भी आ गए हैं, तो कंपनी का एक बार कंसोलिडेटेड नंबर देख लेते हैं। वैसे इसमें कुछ अंतर नहीं होता, सीधा अपन उसी में चलते हैं। ईपीएस में अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं सेम 2,099,88,18,18.19,
91 और 1854, मतलब सेम ही है अप्रॉक्स। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं 2017 में के अपेक्षा अभी 4064 है लास्ट टाइम का था, जो अभी बढ़ा के कंपनी का 6969 है। मतलब कंपनी का बहुत ही शानदार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार 1000 से करीब 2000 कंपनी का रेवेन्यू भी हो गया है। बीच में थोड़ी गिरावट भी देखी है, 8877 का था वो भी बढ़ा दिया कंपनी का अच्छा खासा। EPS भी देख लेते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी मतलब बहुत अच्छा ही है। कंपनी का 40 से 80 करीब पहुंच गया है, मतलब 75 है प्रो। ये हो गया अपना, ये अपने डाटा देख लिया, अब अपन क्वार्टरली देख लेते हैं। तो कंपनी का लास्ट टाइम मार्च का 1389 था, जो बढ़ के कंपनी का अभी 1788 हो गया। मतलब कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट मेन रहता है कि अपन रेवेन्यू तो सभी को ही कर लेते हैं, मगर एक्सपेंस काटने के बाद जो इन हैंड कंपनी का प्रॉफिट बचता है वही मेन होता है। तो कंपनी का आप देख सकते हैं 308 से 502 हो गया। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं 14.62 से 18.91 अभी का हो गया है। कंपनी की होल्डिंग देख सकते हैं, FII मतलब प्रोमोटर के पास 52% के शेयर हैं। FII इसके पास देख लेते हैं, FII के पास 20% के शेयर है। DIS के पास 16.57% है। पब्लिक के पास 10.8% का शेयर है। कंपनी के पीयर्स भी देख सकते हैं, पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर होते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर डिवीज लेबोरेटरी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्लैंड, मतलब कंपनी के कॉम्पिटिटर। कंपनी के फाइनल अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं, पहले 7000 का था, फिर 7300 हुआ, फिर 9218 मतलब 9300 का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, ये बहुत अच्छी बात होती है। जो भी कंपनी का इनकम होगा वो कंपनी खुद रखेगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है कंपनी को 35 लाख रुपए की, मतलब बहुत ही मामूली सा कर्जा है कंपनी का, कभी भी डेट फ्री हो सकती है। पहले 105 करोड़ का था, फिर 33 करोड़ का कर्जा था, नाउ 35 का। मतलब कंपनी अब नेक्स्ट टाइम के, मतलब जो आज ही अपडेट होगा, मेरे ख्याल से अभी अपडेट नहीं हुआ जून का अपडेट मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, तो शाम तक अगर होता है तो आप चेक कर लेना कि कंपनी डेट फ्री तो नहीं कर दी गई है। और कंपनी का कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं। कैश अभी का मतलब 2100 करोड़ करीब का कैश है, बहुत ही ज़्यादा कैश है कंपनी के पास। ये एक अच्छी बात होती है कि कैश ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी 10 जाके पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करेगी, अपना अपना कुछ परचेज करेगी, अच्छा ग्रोइंग करेगी। तो फ्रेंड्स, तो कंपनी के साथ अब बने रहे, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कोई मतलब गलत शेयर बाय करते हैं, मैं अच्छे स्टॉक बताऊंगा जिससे वो फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। और कुछ कभी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका डिटेल बनाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी विल अनदर वीडियो। थैंक